मेरी तरफों सारे नूं सत श्री अकाल, नमस्कार ते गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैं पंजाबी भाषा च बना रहा, जिहदा मुख उद्देश की है कि जिहड़े बच्चे लड़के ते लड़कियां दी भारत विच उम्र 18 तों 35 साल दे विच है ते उह कनेडा या आस्ट्रेलिया जाण दे चाहवान ने, पर उहनां कोले लोड़ींदे पैसे नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो मैं उन्होंने दसागा तो वह किस तरीके ना सौखे तरीके दे नाल वैसटर्न कंट्रीज दे विच आ सकते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों इस गल का नहीं पता कि वैसटर्न कंट्रीज दे विचकार पापुलेशन घट होण करके ते भारत विच पापुलेशन वध होण करके ये देश चाहते ने कि साडे कोले इंडिया तो ज़्यादा लोग आउन, क्योंकि इंडिया वाले दे विच दो तीन खूबियां होंदियां ने जिहड़ी कि बाकी देशों विच नहीं होंदियां। फॉर एग्जाम्पल, नंबर एक के आपां फिजिकली ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपां खेतां च काम कीता हुंदा है ते मेहनत कीती हुंदी है, आपां पैसे दी सेविंग करते हैं। ते तीजा की हुंदा है कि आपां थोड़े जे एक ही इंप्लॉयर दे नाल ज़्यादा टाइम काम करते हैं। ये तिन्ने गुण इत्थे लोकल लोकां कोल नहीं हन। हुण देखो कि हर देश ने आपदा एक फिक्स कोटा रख्या होया। फॉर एग्जाम्पल, जे आपां कनेडा की गल करिए कि इन्होंने 4,31,000 टोटल एप्लीकेंट्स लैने ने 22 तो 23 तो 24 के विचकार। उहदी एक कोटा सिस्टम हुंदा है कि आपां स्टडी वीजे दे परमिट इन्ने लैने ने, स्पाउस वीज़ा इन्ने लैने ने, जिहड़े पेरेंट्स जिहड़े एप्लीकेशन आ उह किन्नियां लैणियां ने, इंजीनियर्स किन्ने लैने ने, डॉक्टर किन्ने लैने, नर्सिस किन्नियां लैणियां ने, इन्हां दा कोटा सिस्टम हुंदा है। देखो, स्टडी परमिट ते आउण वास्ते एक तो अपने लिए आइलट अकैडमिक पास करना बहुत औखा है, मुश्किल लगता है, वो जान उहदे विचकार बहुत प्रॉब्लम ने। पर जे आपने जनरल मड्यूल पास करनी हो, चाहे पीटी दी, चाहे सेल पिप दी, चाहे कैल दी, चाहे टॉफिल दी, चाहे आइलट्स दी, वो पास करनी सौखी है। ते मैं तुहानू उह तरीके दसूंगा कि तुसी सौखे तरीके नाल इन्हां वैसटर्न कंट्री विच किवें आ सकदे जी। देखो, भारत सरकार दा एक अदारा है भारत दे हर वड्डे शहर दे विचकार, इहदा एक टैक्निकल स्कूल हुंदा है जिहदा नां रख्या होया इन्हां ने, ना ही गलत है बहुत लाहेवंद है, उहदा नां हैगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हर शहर के वड्डे शहर के विचकार एक ITI स्थित है, तुसी गूगल कर लो या शहर च के रिक्शे नूं पुछ लो, तुहानू उह दस देगा कि ITI कित्थे है। तो बहुत सारे शहरां विच कुड़ियां दी ITI वक्री हुंदी है ते मुंडियां दी ITI वक्री हुंदी है। ये सिस्टम सिर्फ इंडिया विच ही है, क्योंकि आपां उत्थे बनाया होया कि कुड़ियां आ काम करदियां ने ते मुंडे आ काम करदे ने, पर जद असीं वैसटर्न कंट्रीज विच आउंदे आ तां इत्थे जिहड़े काम मुंडे करदे ने उही कुड़ियां करदियां ने, ते जिहड़े काम कुड़ियां करदियां उही मुंडे करदे ने। सो जेकर तुहाडे मन दी इच्छा है कि बई तुसीं हर हालत बाहरले वैसटर्न कंट्री विच आउणा है, या भारत सरकार दे या पंजाब सरकार दे किसी दफ्तर विच नौकरी करनी है और तुहाडे पेरेंट्स कोल ज़्यादा पैसे नहीं हन, तुसी अगस्त या सितंबर तो बाद बंद हो जाता है इहदा दाखला, तुसी उहदे विच जिहदे तुहाडा इंट्रस्ट है भी जे मुंडे ने ते फॉर जे वैसटर्न कंट्री विच आउणा है तां डीजल मकैनिक, मोटर मकैनिक या कार मकैनिक लै सकदे ने, इलैक्ट्रीशियन, इलैक्ट्रॉनिक टैक्नीशियन या कैमरा टैक्नीशियन दे विच कोई कोर्सेज लै सकदे ने, ये सारे इलैक्ट्रिकल च कवर अप हो जांदे ने जे तुसीं वैसटर्न कंट्री विच आउणा है। पलंबर हो गया, कारपेंटर हो गए,
हैवी ड्यूटी टेक्नीशियन हो गया, फिर ब्यूटी पार्लर जिन्हों आजकल कॉस्मेटोलॉजी भी तुसी कहिंदे जे, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इहो जे कोर्स जे तुसी इंडिया विच कर लोगे, पर इन्हां नूं पढ़ के करन दी कोशिश करो, नकल मार के पास करन दी कोशिश ना करो। ये कोर्स जद आपां बाहरले देशां च आउंदे आ ते उहदे ते कोई भी एक साल का कोर्स जिहड़ा कीता हुंदा है वह मानता प्राप्त हुंदा है, उहनूं सर्टिफिकेट के बराबर कंसिडर किया जाता है। तो इन कैटागरियाँ आने वास्ते एक वक्री लाइन होंगी है। देखो बाकी जी इंटरनेशनल स्टूडेंट वो लाइन वक्री है, जिन्हें स्किल्ड वर्कर कैटागरी वो लाइन वक्री है। इन कैटागरियाँ जनरली टैक्निकल ट्रेड्स या ट्रेड्स कैटागरी कहा जाता है। ये इंग्लिश अकेडेमिक मड्यूल नहीं, इंग्लिश की जनरल मड्यूल करनी होंगी है। बैंड सिर्फ चार या पाँच मड्यूल हर च आने चाहिए ने, उम्र 18 साल तो उपर होनी चाहिए है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए है। तानू इना देशां च आके एज ए ट्रेनी जॉब मिल जाएगी, तानू इत्थे लोकल आके आपदे दस्तावेज दिखा के तुसी एक एग्जाम देना हुंदा है, जिदी ट्रेनिंग देने वास्ते पंजाबियां ने वक्रे वक्रे शहरां विचकार एक ट्यूशन सेंटर खोले हुए ने। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੀਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ITI ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੈਣੀ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ$35 ਤੋਂ $45 ਪਰ ਆਵਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 3rd ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ITI ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਚਾਹੇ 80 ਘੰਟੇ ਪਰ ਵੀਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੈਨ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਝੰਝਟ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ 9815101148, ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9882 95,000, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6047655008 'ਤੇ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਊਂਗਾ।
प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद अदर मेंबर्स ऑफ योर सोसाइटी. थैंक यू वेरी मच.